Assalamu alaikum students, how are you? I welcome to all of you in another video lecture of Goha Logical Mathematics. Students, ये हमारा book 2, chapter 1 का lecture number 8 है. आज के lecture में students हम discuss करेंगे graph को. तो आज जो activity हम perform करेंगे वो है activity P. और एक्टिविटी बी को परफॉर्म करने के लिए कंप्लीट करने के लिए हमें समझना होगा पहले एक चार्ट, एक टेबल जो कि दिया गया है. तो जल्दी से पेज नंबर 17 ओपन करें स्टूडेंट्स. हरिया फाइन. सो एक टेबल दिया गया है जो कि है पेट्स एट होम के बारे में. कुछ बच्चे हैं उनके घरों में कुछ पेट्स हैं और वो कौन कौन से हैं. सात हैं. सात के घर में कैट्स नहीं है, डॉग्स भी नहीं, जबकि पेरेंट्स हैं फोर. फरा के घर में एक कैट है जबकि डॉग और पेरेंट्स जीरो हैं. और अली के घर में कैट्स जीरो हैं जबकि डॉग्स फाइव हैं और पेरेंट्स जीरो. कासिम के घर में जीरो कैट्स हैं, जीरो डॉग्स हैं जबकि पेरेंट्स हैं फाइव. इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम एक्टिविटी पी परफॉर्म करेंगे. और वो क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है. सात हैज डैश पेरेंट्स. डैश में क्या है, 4, बिकॉज सात हैज 4 पेरेंट्स. सो नेक्स्ट है 2. सो अली हैज 5 डॉग्स. क्वेश्चन नंबर 3, सात हैज 4 पेरेंट्स. एंड क्वेश्चन नंबर 4, फरा हैज 1 कैट. एंड क्वेश्चन नंबर 5, फरा हैज डैश कैट्स, तो डैश में क्या आएगा, 1. कासिम हैज डैश पेरेंट्स, डैश में क्या आएगा, 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डैश हैज 5 डॉग्स, तो 5 डॉग्स किसके पास है, अली के पास. नेक्स्ट है डैश हैज 5 पेरेंट्स, तो 5 पेरेंट्स किसके पास है, कासिम के पास है, 5 पेरेंट्स. क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर है, कासिम. स्टूडेंट्स जल्दी से पेज नंबर 18 ओपन करें. हरी आप. तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे सामने एक टेबल है, एक ग्राफ है. इस टेबल के मुताबिक स्टेटमेंट क्या है, एनिमल्स इन मिस्टर रजा फॉर्म, के मिस्टर रजा के फॉर्म में कितने जानवर हैं उसके बारे में ये टेबल, ये ग्राफ. सो उनके पास गॉड्स हैं, काउज हैं, शीप हैं, हेंस हैं, डक्स हैं, हॉर्सेज हैं. गॉड्स हैं उनके पास 30, काउज हैं 50, शीप 60, हेंस 80 एंड डक्स 20 और हॉर्सेज हैं 10. क्यों, क्योंकि एक ब्लॉक जो है, जो एक बॉक्स है टेबल में, वो 10 को रिप्रेजेंट करता है. सो इसी ग्राफ के मुताबिक हमें एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी. तो हाउ मैनी फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी. सो हमें बताना है कि उनके पास कौन से जानवर कितने हैं. जो क्वेश्चन ए है वो है गॉड्स. तो गॉड्स कितनी है उनके पास, 30. देन काउस, काउस कितनी है, 50. शीप्स, क्वेश्चन सी जो है शीप्स, तो शीप कितनी है जी, 60. डी है हैन, हैंस कितनी है जी, 80. डक, डक कितनी है, 20. और हॉर्सेस कितने हैं, 10. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मैनी एनिमल्स. एनिमल्स कितने हैं जी, टोटल, टोटल अगर हम इन्हें काउंट करें, गॉड्स, काउस, शीप, हैंस, डक्स और हॉर्सेस को ऐड करें, टोटल बनते हैं 240. देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी मोर हैंस देन शीप, के जो हैंस हैं वो शीप से कितने ज्यादा हैं. तो स्टूडेंट्स शीप हैं 60 और हैंस है 80. सो आंसर इज 20. देन नेक्स्ट है बी, गॉड्स देन हॉर्सेस. गॉड्स हैं 30 एंड हॉर्सेज हैं 10. सो 30 माइनस 10, 20. कि जो गॉड्स हैं वो हॉर्सेज से 20 ज्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मोर काउस मस्ट द
Mr. Raza Bhai, so that he will have 80. So इनके मिस्टर रजा के पास ऑलरेडी 50 काउज हैं, तो उसमें वो कितनी और काउज खरीदे ताकि उनके पास 80 काउज हो जाए, तो उन्हें खरीदना पड़ेंगे 30 काउज. देन क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर रजा सोल्ड 20 शीप, कि अगर मिस्टर रजा ने 20 शीप बेच दें, देन हाउ मेनी शीप वर लेफ्ट, कितनी शीप रह जाएंगी. तो मिस्टर रजा के पास टोटल शीप कितनी है स्टूडेंट्स, 60. 60 में से अगर वो 20 बेच दे तो रिमेनिंग विल बी 40. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर रजा बॉट 30 मोर गॉड्स, कि उन्होंने मिस्टर रजा ने 30 और जो गॉड्स हैं वो खरीदी, देन हाउ मेनी गॉड्स ऑल टुगेदर, टोटल कितनी उनके पास फिर हो जाएंगी. तो ऑलरेडी मिस्टर रजा के पास कितनी गॉड्स थी, 30, तो अगर वो और 30 खरीद लें तो कितनी हो जाएंगी, 60. इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर खत्म हुआ चाहता है, होपफुली आपको समझ आई होगी, और इसी के साथ इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है. सो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज.